एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बचपन से ही अपनी जिंदगी सिनेमा के नाम कर दी। मिले हाथों जो आगे चलकर बनी भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और फेमस हीरोइन। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। जिसने चार भाषाओं के सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय के जादू से अपना दीवाना बनाया। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन। जो थी खूबसूरती और अभिनय की अनूठी मिसाल और लोगों ने उनको नाम दिया हवा हवाई का। ये आगे चलकर बनी अपने दौर की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली इकलौती हीरोइन और ये बनी भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। और कैसे इन्होंने एक शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर के घर में शरण ली और बाद में कैसे मोना शौरी कपूर का शादीशुदा जीवन खत्म किया इस अभिनेत्री ने। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। कैसे ये अभिनेत्री भाई को राखी बांधते बांधते उसी से शादी कर बैठी और कैसे शादी से पहले उसके बच्चे की माँ बन गईं। और क्यों समाज और परिवार के डर से की गई थी ये शादी और कैसे एक दिन अचानक बाथटब में डूबकर इनकी मौत हो गई। ये सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा छोटे अब्बू, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आज के सपने शो में हम बात कर रहे हैं ऐसी अभिनेत्री की जो बचपन से ही सिनेमा के पर्दे पर काम करने लगी थी, जिसकी पहली हिंदी फिल्म सुपर फ्लॉप हुई लेकिन फिर भी वो बन गई भारतीय सिनेमा की हाई पेमेंट पाने वाली इकलौती हीरोइन और जिसने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा के सिनेमा को भी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से दीवाना बनाया था, जिसको लोगों ने कभी हवा हवाई कहा तो कभी चांद की चांदनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी की। श्रीदेवी का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ, क्या थे इनके निजी जीवन के विवाद और कैसे इनकी शादी अपने आप में एक विवाद थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। शुरुआत करते हैं इनके फिल्मी सफर से। श्रीदेवी का पूरा नाम है श्री अम्मा यंगर अयप्पन। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास यानी तमिलनाडु का वो गांव जिसे मीनामपट्टी कहा जाता है में हुआ था। ये गांव जिला शिवकाशी में पड़ता है। इनके पिता का नाम था अयप्पन रेंजर जो जिला शिवकाशी में ही एक वकील के तौर पर काम करते थे। इनकी मां का नाम था राजेश्वरी एंजर जो तिरुपति आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और एक घरेलू गृहिणी थी। श्रीदेवी के पिता ने दो शादियां की थीं। श्रीदेवी दूसरी पत्नी की संतान है। श्रीदेवी को प्यार से सभी लोग घर में अम्मू बुलाया करते थे। श्रीदेवी की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है श्रीलता। इनके दो भाई भी थे जो कि पहली पत्नी से थे, सतीश और आनंद। श्रीदेवी ने शुरुआत से अपने दोनों भाइयों से दूरी बना करके रखी थी। कारण था पारिवारिक मनमुटाव। श्रीदेवी के पिता तमिल थे और माँ तेलुगु, इसीलिए शायद श्रीदेवी दोनों राज्यों की भाषा और संस्कृति की भली भांति परिचित थी। श्रीदेवी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी। बचपन से ही उन्होंने देखा तो सिर्फ सिनेमा का पर्दा। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी सफर 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। श्रीदेवी ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम शुरू किया। साल 1967 का वो समय जब श्रीदेवी ने पहली बार एक तमिल भाषा की फिल्म कांधन करुणाई की जो कि माइथोलॉजिकल फिल्म थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ शिवाजी गणेशन, शिव कुमार और जय ललिता जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिका में थे। श्रीदेवी ने इस फिल्म में
भगवान मुर्गन का बाल रूप निभाया था। इस फिल्म में निभाई भूमिका को लोगों ने बहुत पसंद किया, लिहाजा ठीक 2 साल बाद 1959 में फिर इसी तरह की एक फिल्म आई जिसमें श्रीदेवी ने एक बार फिर से मुर्गन का अभिनय किया। इनकी तमिल भाषा की पहली फिल्म थी थुनाइवा। तमिल भाषा के साथ श्रीदेवी ने मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। इनकी पहली फिल्म कुमार संभव थी। ये फिल्म कालिदास के संस्कृत नाटक पर आधारित थी। आहा मुर्गा करुण कड़ले एंदनी परीक्षा अवड़े अड़िमियाय किड़वियोड एंदनी विनोदम अव्वे अरुव आर्कु निषेधिक्कान पाडिल्ला। 1971 में इनका बाल कलाकार के रूप में नेम फेम बढ़ा और एक मलयालम फिल्म पूम पट्टा में ऐसा किरदार इन्होंने निभाया कि लोग इनकी एक्टिंग को देखते ही रह गए और इनकी इसी एक्टिंग के कारण केरल राज्य के फिल्म अवार्ड में श्रीदेवी को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। श्रीदेवी का ये पहला अवार्ड था जिसने इनके नाम को 4 चांद लगा दिए थे। पहला अवार्ड इनको महज 8 साल की उम्र में मिला था। इतनी कम उम्र में अवार्ड पाने वाली ये पहली बाल कलाकार थी। श्रीदेवी ने 1967 से 1972 तक भगवान के ही रोल किए थे। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 4 भाषाओं में काम किया। श्रीदेवी ने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाया। श्रीदेवी कभी स्कूल और कॉलेज तो नहीं गईं, इसीलिए कभी वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाईं। लेकिन वो पूरी जिंदगी यही कहती रहीं कि मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है, जिंदगी के सभी रंग मुझे अच्छे लगते हैं। अगर जिंदगी दोबारा से शुरू हुई तो मैं फिर से अपनी आँखें फिल्मों में ही खोलूं। श्रीदेवी के लिए फिल्मी पर्दा, कैमरा ही सब कुछ था। श्रीदेवी को काम और नाम दोनों मिलता गया और श्रीदेवी अपनी मेहनत और लगन से अपने कद को और बड़ा करती गईं। श्रीदेवी को अपने बचपन के दिनों से ही डांस में बहुत रुचि थी और यही कारण था कि श्रीदेवी अव्वल नंबर की डांसर थीं। फिल्म की कहानी एक तरफ और श्रीदेवी का डांस एक तरफ होता था। उनके डांस की पूरी दुनिया मुरीद थी। श्रीदेवी ने कई साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया जिनमें जयललिता, शिवाजी गणेशन, एन टी रामाराव, कमल हासन, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार रहे। श्रीदेवी के एक तेलुगु फिल्म राउडी रानी का हिंदी रीमेक आया, उस फिल्म में श्रीदेवी भी नजर आईं। फिल्म का नाम था रानी मेरा नाम। इस फिल्म के डायरेक्टर KSR दास थे। श्रीदेवी की ये पहली डेब्यू फिल्म मानी जाती है हिंदी सिनेमा के बाल कलाकार के रूप में। इसके ठीक 3 साल बाद श्रीदेवी फिर से हिंदी सिनेमा में नजर आईं और फिल्म का नाम था जूली। जूली में श्रीदेवी जूली की छोटी बहन के रोल में नजर आईं। जूली अपने दौर की हिट फिल्मों में शुमार थी। श्रीदेवी की एक तेलुगु फिल्म थी 16 बयाथी निले जो तमिल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसको तेलुगु मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। हिंदी में इस फिल्म का नाम रखा गया था 16वां सावन। ये फिल्म 1979 में बनकर के रिलीज हुई थी। पहले श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि न तो उनको हिंदी आती थी और न ही इंग्लिश, लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म के डायरेक्टर भारती राजा ने श्रीदेवी को मना लिया और श्रीदेवी ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह श्रीदेवी आ गई मुंबई। इस फिल्म में इनके साथ इनके हीरो थे अमोल पालेकर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल तो नहीं कर पाई और सुपर फ्लॉप हो गई। इस फिल्म से श्रीदेवी को नाकामयाबी मिली और वो वापस अपनी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। इस फिल्म को बतौर हीरोइन उनकी पहली डेब्यू हिंदी फिल्म माना जाता है। हिंदी सिनेमा का पहला कदम श्रीदेवी को हताशा और मायूसी देने वाला था। इसके बाद श्रीदेवी साउथ की फिल्में करती रहीं,
लिहाजा 1981 में पहली बार तमिल फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म थी मीनदुम कोकिला। इसके बाद सन 1982 में श्रीदेवी को एक बार फिर से अवार्ड मिला। ये अवार्ड इनको तमिलनाडु स्टेट फिल्म फॉर बेस्ट हीरोइन के लिए दिया गया। फिल्म का नाम था मून ड्रेन पिराई, जिसका आगे चलकर हिंदी में रिमेक बनाया गया और नाम रखा गया सदमा। भारतीय हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी का पहला कदम सही नहीं था। उनकी पहली फिल्म सोलवा सावन पूरी तरह से फ्लॉप थी। लिहाजा 4 साल बाद श्रीदेवी एक बार फिर से 1983 में मुंबई आई। इस बार श्रीदेवी ने अपना एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखा और हिम्मत वाला फिल्म साइन कर ली। श्रीदेवी ने इसमें बड़ी मेहनत से काम किया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच गया। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि इस फिल्म में श्रीदेवी रातों रात स्टार बन गई और ये फिल्म इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जितेंद्र भी थे। इस फिल्म से जितेंद्र को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि पिछले कुछ समय से जितेंद्र की कई फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हो रही थीं, तो श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्म हिम्मत वाला ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जितेंद्र की भी किस्मत चमक गई। श्रीदेवी साउथ से आई थी, उनकी इस फिल्म में डबिंग की गई थी। उनकी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा की गई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म में श्रीदेवी और जितेंद्र की डांस की आज भी तारीफ होती है। इसके बाद इन दोनों ने उसी साल 3 फिल्म और की थी, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली। इन 3 फिल्मों के बाद तो श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा लिए और लोग भी उनको काफी पसंद करने लगे थे। हिंदी सिनेमा में नेम फेम मिलने पर श्रीदेवी ने अपने साउथ सिनेमा को कभी छोड़ा नहीं और वो वहाँ भी लगातार काम करती रही। कामयाबी इस तरह उनके सर चढ़कर बोल रही थी कि श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा ने थंडर थाई की उपाधि दे दी थी। इसके बाद इनकी एक फिल्म तोहफा, जिसमें श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी एक बार फिर से साथ में नजर आई। इस फिल्म में श्रीदेवी के डांस और गीतों को लोगों ने बहुत पसंद किया और ये फिल्म बन गई इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन ने तो श्रीदेवी की फोटो छापकर उनके कद और लोकप्रियता को और बढ़ा दिया था। इस फिल्म में 2 गाने थे, एक प्यार का तोहफा और एक आंख मारूं तो। दोनों ही गाने चार्ट बस्टर रहे। किशोर कुमार और आशा जी ने ही इन दोनों गानों को गाया था। इस फिल्म में भी श्रीदेवी की हिंदी डबिंग की गई थी। उनकी हिंदी डबिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट नाज के द्वारा की गई। श्रीदेवी और जितेंद्र ने लगभग 16 फिल्में साथ में की, जिनमें हिम्मत वाला, जानी, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और मवाली ये कुछ फिल्में थीं, जो सन 1983 में एक साथ आई थीं। श्रीदेवी एक ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी देओल के साथ भी काम किया। श्रीदेवी अकेली हीरोइन थी जो पिता और बेटे दोनों की हीरोइन बनकर एक साथ आईं। सनी देओल के साथ श्रीदेवी ने कुछ फिल्में की जिनमें सल्तनत, चालबाज, निगाहें, जोशीले जैसी फिल्में थीं। तो वहीं धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी, फरिश्ते, वतन के रखवाले, सोने पर सुहागा जैसी बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई थी। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था, लेकिन श्रीदेवी को राजेश खन्ना के साथ काम करना ज्यादा पसंद नहीं था। श्रीदेवी को लगता था कि राजेश खन्ना उनकी झूठी तारीफें करते हैं और इसी बात के कारण श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ बहुत ही कम फिल्में की। श्रीदेवी की एक फिल्म नगीना अपने दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने जो इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया, उसे दुनिया देखती रह गई। इस फिल्म को नाग नागिन के ऊपर की बेस्ट फिल्म माना गया।
इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को स्पेशल लेंस आंखों में पहनने के लिए दिए गए थे, जिसमें उनकी आंखों को बिल्कुल कातिलाना अंदाज में दिखाया गया। इस फिल्म ने श्रीदेवी को दुनिया भर में चर्चा में ला दिया। इसके बाद सन 1986 में श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म कर्मा भी रिलीज हुई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसके बाद श्रीदेवी की फिरोज खान के साथ एक फिल्म जांबाज आई। इस फिल्म का श्रीदेवी का एक सॉन्ग पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। श्रीदेवी ने लगातार 30 सालों तक भारतीय सिनेमा के सभी टॉप हीरोज के साथ काम किया और वो उनके साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करती भी नजर आईं। उन्होंने 70 के दशक में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और ऋषि कपूर के साथ काम किया, तो वहीं 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ के साथ भी काम किया और 90 के दशक में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान की भी नायिका बनकर वो फिल्मी पर्दे पर नजर आईं। श्रीदेवी की संजय दत्त के साथ कभी नहीं बनी और इसकी वजह थी कि जब श्रीदेवी हिम्मत वाला फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो संजय दत्त ने श्रीदेवी की खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे सुने थे, जिसके चलते संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने उनके सेट पर शराब पीकर पहुंच गए थे। उनके इस तरह के रवैये से श्रीदेवी बहुत नाराज हो गई थीं और फिल्म के सेट से उठकर अपने मेकअप रूम में चली गई थीं। तो वहीं उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो जिंदगी में संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करेंगी। लेकिन सन 1993 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुमराह। इसमें संजय दत्त और श्रीदेवी ने एक साथ काम किया। फिल्म में काम करने को लेकर उनको नहीं पता था कि फिल्म में संजय दत्त भी हैं। महेश भट्ट को किए गए वादे को पूरा करने के लिए श्रीदेवी ने इस फिल्म को पूरा किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी। इस फिल्म में श्रीदेवी को दर्शकों के सामने एक अलग ही ढंग से पेश किया गया था। इस फिल्म में श्रीदेवी के कपड़ों, उनके स्टाइल को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में जो ड्रेस कोड श्रीदेवी ने पहना था वो उस समय की हर लड़की की पसंद बन गया था, जो इतना फेमस हुआ कि दिल्ली में तो एक ड्रेस डिजाइनर लीना दारू ने तो इनके नाम से चांदनी लोक शोरूम को ओपन ही कर दिया था। इस फिल्म का संगीत आज भी महिला संगीत में सर चढ़ कर गाया जाता है। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबा पर हैं। मिले हाथों में, श्रीदेवी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 80 से 90 के दशक में वो सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली इकलौती हीरोइन थी। इनकी एक्टिंग और खूबसूरती का हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दीवाना था। श्रीदेवी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। उनके साथ श्रीदेवी ने आखिरी रास्ता, खुदा गवाह, इंकलाब जैसी फिल्में की। आखिरी रास्ता वही फिल्म है जिसमें श्रीदेवी की हिंदी डबिंग हीरोइन रेखा ने की थी, क्योंकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी, लिहाजा उनकी हिंदी डबिंग एक्ट्रेस रेखा के द्वारा कराई गई थी। बाकी की सभी फिल्मों में उनकी हिंदी डबिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट नास के द्वारा ही कराई जाती थी। अब बात करते हैं श्रीदेवी के निजी जीवन की। श्रीदेवी की एक्टिंग और खूबसूरती किसी से भी छिपी नहीं है। जिसने भी श्रीदेवी को देखा वो उनका दीवाना हो गया। श्रीदेवी अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को एकदम अलग अलग रखती थी। सन 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था जाग उठा इंसान। इस फिल्म में इनके साथ एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। बताया जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन श्री ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बहते चले गए। इन दोनों के प्यार की चर्चा फिल्मी गलियारों पर जोरों पर थी। जानकार बताते हैं कि श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी।
जब फैन नामक एक पत्रिका ने उनके विवाह प्रमाण पत्र को प्रकाशित कर दिया था, तो इसके बाद उनकी शादी का ये राज सभी लोगों के सामने आ गया था। उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई। तो वहीं जब इस बात का पता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को चला, तो वो हैरान रह गईं। वो मिथुन चक्रवर्ती के इस कदम को समझ नहीं पाईं और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। वो मिथुन चक्रवर्ती से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थीं और इसका असर ये हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली के दबाव में आ गए और श्रीदेवी से अलग हो गए। और इस तरह श्रीदेवी का साथ मिथुन चक्रवर्ती ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दीवाने इतनी दूरी एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे? अल्लाह, हजारों रातें हजारों दिन मेरे बादशाह के बगैर, ये तूने क्या किया? मिथुन से अलग होने के बाद श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम कर रही थीं। श्रीदेवी की जिंदगी में अभी मुसीबतें कम नहीं हुई थीं। सन 70 से 80 के दशक में फिल्ममेकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा था। बोनी कपूर पहली नजर में श्रीदेवी के दीवाने हो गए थे और वो उस समय अपनी एक फिल्म ऋषि कपूर के साथ बना रहे थे, जिसके लिए वो एक हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने श्रीदेवी को देखा था तो वो उनको साइन करने के लिए उनके घर मद्रास पहुंच गए, लेकिन वहां श्रीदेवी नहीं थीं। वो उस समय आउट ऑफ इंडिया अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। बताया जाता है कि श्रीदेवी की साउथ इंडियन सिनेमा में हाई फीस हुआ करती थी। बोनी कपूर को जब उनकी फीस पता चली तो वो वापस मुंबई आ गए, लेकिन सन 1986 में बोनी कपूर मिस्टर इंडिया फिल्म बना रहे थे तो अनिल कपूर की ऑपोजिट उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। उन्हें श्रीदेवी का ख्याल आया और वो फिर पहुंच गए श्रीदेवी के घर, जहां उनकी मुलाकात श्रीदेवी से हुई। बोनी कपूर श्रीदेवी से पहली मुलाकात में ही अपना दिल हार गए। उस समय श्रीदेवी की फिल्म की फीस 8 लाख रुपए हुआ करती थी। श्री की सारी फिल्म की डेट उनकी माँ ही फाइनल करती थी। श्रीदेवी की माँ ने बोनी कपूर से उस फिल्म के लिए 10 लाख रुपए मांगे, जो कि उस समय काफी हाई पेमेंट हुआ करती थी। बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने थे, लिहाजा उन्होंने उनकी माँ को 10 की जगह 11 लाख रुपए दिए और उनकी डेट्स बुक कर ली। फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीदेवी मुंबई आईं। इस बार श्रीदेवी को बोनी कपूर ने अपने ही घर में जगह दी, लेकिन बोनी कपूर उस समय मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अफेयर से अनजान थे। श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार करती थीं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा श्रीदेवी से इस बात के लिए झगड़ते थे। बोनी कपूर श्रीदेवी की बहुत फिक्र करते थे और उनकी काफी देखभाल भी करते थे, बस उनका यही रवैया मिथुन चक्रवर्ती को खटकता था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी को बोनी कपूर को राखी बांधने तक के लिए कह दिया। श्रीदेवी ने भी मिथुन चक्रवर्ती की बात मानी और बोनी कपूर को राखी बांध दी। बताया जाता है कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर को उनकी पत्नी मोना शोरी कपूर के सामने राखी बांधी। ये सिलसिला कई साल तक चला। श्रीदेवी बोनी कपूर को हर साल की तरह राखी बांधती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद ही मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का अफेयर खत्म हो गया। लेकिन राखी बांधने के कारण बोनी कपूर काफी उलझनों में फंस गए, क्योंकि न तो वो अपने दिल की बात श्रीदेवी को बता पा रहे थे और वहीं श्रीदेवी ने उनको अपना भाई बना लिया था। हम तुमको अच्छा आदमी समझा, तुम पर भरोसा किया। बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और वो श्रीदेवी को भी प्यार करने लगे थे। वो अपनी पत्नी और श्रीदेवी के प्यार में इस तरह से फंसे हुए थे कि वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। एक दिन फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर बोनी कपूर ने अपने दिल की बात आखिरकार श्रीदेवी को कह डाली, तो वहीं श्रीदेवी भी बोनी कपूर के द्वारा की गई उनकी देखभाल और फिक्र को देखते हुए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बोनी कपूर को हाँ कर दी। जबकि श्रीदेवी बोनी कपूर को राखी बांधती थीं, उन्होंने किसी भी रिश्ते की मर्यादा समाज की परवाह किए बिना बोनी कपूर के फैसले को स्वीकार कर लिया। बोनी कपूर ने मोना शौरी कपूर को तलाक दे दिया और सन 1996 में श्रीदेवी से एक मंदिर में शादी कर ली।
मोना शौरी कपूर वही थी जिन्होंने श्रीदेवी को अपने घर में जगह दी थी और श्रीदेवी ने उनका ही घर तोड़ दिया। उनकी शादी के बाद उनकी कड़ी आलोचना हुई। श्रीदेवी को पहली बार मीडिया ने घर तोड़ने वाली महिला का खिताब दे दिया। श्रीदेवी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसीलिए ये शादी जल्दबाजी में एक मंदिर में की गई। बताया तो यहाँ तक जाता है कि श्रीदेवी शादी के समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनकी पहली बेटी जानवी कपूर वही बेटी है। बताया जाता है कि श्रीदेवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिसमें उनकी पहली बेटी जानवी कपूर जो कि शादी से पहले और दूसरी बेटी खुशी कपूर हैं। उनकी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। And I got to be a proud mother, that too, twice. I'll make them proud of the movies I do. जुदाई फिल्म के बाद 15 साल तक श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। ये पूरा समय श्रीदेवी ने अपने परिवार को दिया। 15 साल के बाद श्रीदेवी ने फिर से एक बार कमबैक किया और इस बार ये नजर आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में। इस फिल्म में ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हुई नजर आई। श्रीदेवी ने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी काम किया जिसमें इनके कुछ प्रमुख सीरियल्स थे। 10 का दम, जीना इसी का नाम है। श्रीदेवी कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उसके बावजूद वो बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रीदेवी ने भारतीय हिंदी सिनेमा में लगभग 300 फिल्मों में काम किया लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी की जिनको ठुकरा दिया था, जिसमें शक्ति द पावर जिसमें शाहरुख खान और नाना पाटेकर थे, कामयाब, होशियार, खुदगर्ज, विजय, अभिमन्यु, अजूबा, लेकिन, बेटा, डर, आईना, बाजीगर, मोहरा, अंजाम, दिल तो पागल है, यादें और बागवान जैसी फिल्में थीं। दुनिया भूल सकती है बाबा, लेकिन जो कुछ भी हुआ मैं नहीं भूल सकती। श्रीदेवी को उनके शानदार अभिनय के लिए चारों भाषाओं में पुरस्कार और सम्मान भी मिले जिस उन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं 1982 में तमिल फिल्म मीनदुम कोकिला के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। 1990 में हिंदी फिल्म चालबाज के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से सम्मानित किया गया। तो वहीं 1991 में तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें मिला। 1992 में हिंदी फिल्म लम्हे के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं साल 2013 में हिंदी फिल्म नगीना और इंडिया के लिए सम्मानित किया गया। 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और 2017 में इनको सबसे बड़ा अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए दुबई चली गई, जहां श्रीदेवी कुछ दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिता रही थी। बताया जाता है कि शाम के समय श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम गई। उसी होटल में उनके साथ उनकी बेटी और पति बोनी कपूर भी मौजूद थे। श्रीदेवी जब बाथरूम से काफी देर तक बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने अंदर जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में ही डूबी हुई थी। उन्होंने श्रीदेवी को मृत पाया। वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि श्री ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। 27 फरवरी को यही रिपोर्ट लगाकर दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया और उसी रात श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया। इस फरवरी को श्रीदेवी का अंतिम संस्कार मुंबई के पार्क में हुआ, जहां उनकी अंतिम यात्रा में अपार भीड़ और जनसैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले इतना बड़ा जनसैलाब किसी ने नहीं देखा था। सरकार ने भी इन्हें कंसल्यूट किया और रामेश्वरम तमिलनाडु में उनकी अस्थियां विसर्जित कर दी गईं। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी हमारे बीच से हमेशा के लिए चली गईं। उनकी याद में मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनकी हवा हवाई वाली मूर्ति लगाने का ऐलान किया गया। श्रीदेवी के शानदार और यादगार सफर को हमेशा याद किया जाएगा। श्रीदेवी हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेंगी।
भारतीय सिनेमा जब तक रहेगा तब तक श्रीदेवी का नाम हमेशा बुलंदियों पर रहेगा। उनके शानदार सफर और अभिनय के लिए बॉलीवुड नॉवल उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये श्रीदेवी के ऊपर एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।